वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिसकन्फर्मिटी के ऊपर, बट इससे पहले हमने अनकन्फर्मिटी के अंदर दो वीडियो डिस्कस कर लिया है। मीन्स ये जो डिसकन्फर्मिटी है एक अनकन्फर्मिटी का टाइप है। मीन्स डिसकन्फर्मिटी जो भी है अनकन्फर्मिटी का एक टाइप है। अनकन्फर्मिटी को हमने कुछ टाइप में क्लासीफाई किया था, उसमें से डिसकन्फर्मिटी उसका एक टाइप है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं डिसकन्फर्मिटी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट इससे पहले जो हमने दो वीडियो में डिस्कस किया था, वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा या फिर उसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके प्लीज़ वो वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पर हमने डिस्कस किया क्या क्या था। वीडियो वन में हमने देखा था अनकन्फर्मिटी हम किसको बोलते हैं, ठीक है, अनकन्फर्मिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ कहाँ पर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है और कितना स्टेजेस के द्वारा अनकन्फर्मिटी आपको बनने को देखने को मिलता है। मीन्स अनकन्फर्मिटी जो बन रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के द्वारा बन रहा है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था वीडियो वन में। अगेन उसका कुछ टाइप्स था, मतलब मेजर टाइप्स हमने उसको फोर टाइप में क्लासीफाई भी कर लिया था इन वीडियो वन। लेकिन हमने उसके ऊपर और एक वीडियो लिया था अनकन्फर्मिटी के ऊपर, सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंगुलर अनकन्फर्मिटी। एंगुलर अनकन्फर्मिटी भी एक टाइप है अनकन्फर्मिटी का। तो आज का जो हमारा वीडियो है वीडियो नंबर 3 है। तो इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो डायरेक्टली अब स्टार्ट करते हैं डिसकन्फर्मिटी। तो आई होप आपको अनकन्फर्मिटी का मतलब कॉन्सेप्ट पता है, तो डायरेक्टली ही हम यहाँ पर जंप करने वाले डिसकन्फर्मिटी के ऊपर, या फिर डिसकन्फर्मिटी का जो भी कॉन्सेप्ट है यहीं पर उसी के ऊपर आज हम यहाँ पर फोकस करेंगे। तो डिसकन्फर्मिटी है क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल अनकन्फर्मिटी। तो डिसकन्फर्मिटी को पैरेलल अनकन्फर्मिटी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये टर्म में ही पैरेलल है, मीन्स यहाँ पर बात होगा पैरेललिज्म का, ठीक है। पैरेलल का बात किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ओल्डर और यंगर रॉक बेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि अनकन्फर्मिटी को हम देखते हैं, क्यों हम अनकन्फर्मिटी को हम पढ़ते हैं, क्यों अनकन्फर्मिटी को हम इसलिए पढ़ते हैं कि ओल्डर और यंगर रॉक के बीच में सेपरेशन हम कर सकें। मीन्स ओल्डर और यंगर रॉक के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रॉक बेड को हम मतलब डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे करते हैं, वही चीज़ हम इन केस ऑफ अनकन्फर्मिटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोनों रॉक बेड रहेंगे, या ओल्डर हो या फिर यंगर हो, दोनों पैरेलल में रहेंगे, ठीक है। पैरेलल में क्योंकि यहाँ पर टर्म है, यहाँ पर देखिए पैरेलल है, तो इसी को ही डिसकन्फर्मिटी को ही मतलब पैरेलल अनकन्फर्मिटी भी बोला गया है डिफरेंट डिफरेंट ऑथर के द्वारा। क्योंकि इसका पैरेलल रिलेशन रहता है, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने इसको नेम भी दे दिया पैरेलल अनकन्फर्मिटी। तो यहाँ पर होता क्या है, द रॉक बेड्स प्रेजेंट एबव एंड बिलो द डिसकंटिन्यूटी आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, रॉक बेड जो प्रेजेंट है, ठीक है, एबव एंड बिलो ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं, कोई भी इरोजनल सर्फेस को। यहाँ पर एक इरोजनल सरफेस है, तो ये एक रॉक बेड है, ठीक है, ये एक रॉक बेड है, ये एक रॉक बेड है, इसको मैं नेमिंग कर रहा हूँ ए, इसको नेमिंग कर रहा हूँ बी। तो ये ए और बी रॉक बेड को सेपरेट कौन कर रहा है, ये जो इरोजनल सरफेस है, तो इसी सरफेस को ही हम बोल रहे हैं अनकन्फर्मिटी। बट यहाँ पर अनकन्फर्मिटी सिर्फ बोल देने से नहीं होता, अनकन्फर्मिटी का खुद का एक टाइप है, ठीक है। वो जो सर्फेस किस तरह रहेगा, उसका नेचर क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करके हमने अनकन्फर्मिटी को कुछ टाइप में क्लासीफाई किया था। सबसे पहला जो टाइप था एंगुलर अनकन्फर्मिटी, वो हमने वीडियो वन में देख लिया। तो आज हम देखेंगे डिसकन्फर्मिटी देखते हैं। तो इसी को ही हम बोले पैरेलल अनकन्फर्मिटी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, द रॉक बेड्स प्रेजेंट एबव एंड बिलो द डिसकंटिन्यू मतलब डिसकन्फर्मिटी। ये जो डिसकन्फर्मिटी है, इसके ऊपर में जो भी रॉक बेड प्रेजेंट है और इसके नीचे भी जो भी रॉक बेड प्रेजेंट है, पैरेलल रहेगा एक दूसरे से, इसीलिए तो इसका नेमिंग भी किया गया है पैरेलल अनकन्फर्मिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे वाला जो भी रॉक बेड्स रहेंगे, या फिर ओल्डर और यंगर जो भी रॉक बेड्स रहेंगे, या फिर यहाँ पर ए और बी जो नेमिंग दिया गया है, दोनों रॉक बेड एक दूसरे के को पैरेलल होकर रहेंगे, पैरेलल रिलेशन दिखाएंगे, ठीक है। देयर इज नो एंगुलर रिलेशन, और इनके बीच में एंगुलर रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट एंगुलर रिलेशन कब देखने को मिला था, जब भी मतलब ओल्डर बेड या तो वो टिल्टेशन दिखाए या फिर फोल्डेशन दिखाए या फिर फोल्डेड हो, तो उसी केस में हमको देखने को मिल रहा था एंगुलर अनकन्फर्मिटी। बट यहाँ पर एंगुलर रिलेशन का बात ही नहीं होगा, मीन्स यहाँ पर बात होगा पैरेलल का बात कब होगा, जब दोनों रॉक बेड पैरेलल रहेंगे एक दूसरे से, इसलिए इसका नेमिंग भी किया गया है पैरेलल अनकन्फर्मिटी। तो यहाँ पर होता क्या है, द लोअर एंड द अपर सीरीज ऑफ द बेड्स आर डीप आर द सेम अमाउंट एंड आर द सेम डिरेक्शन। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं पैरेलल रिलेशन का, तो ऑब्वियसली एक दूसरे से पैरेलल जब भी रहेंगे मतलब ऊपर और नीचे वाले बेड या फिर ओल्डर और यंगर वाले बेड, तो उनके बीच में डीपिंग भी सेम रहेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। डीपिंग भी सेम रहेगा और उनका जो मतलब अलाइनमेंट का डिरेक्शन रहेगा वो भी सेम रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि पैरेलल कोई भी चीज़ रहेगा तो उसका डीपिंग भी सेम रहेगा। मीन्स ये इसका मतलब डीप अमाउंट अगर हम बोलते हैं 0 डिग्री, तो इसका डीप अमाउंट भी 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि एक दूसरे को पैरेलल है और अलाइनमेंट भी इसका देखिए सेम डिरेक्शन में। यही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है, द लोअर एंड द अपर सीरीज ऑफ द बेड्स आर डीप आर द सेम अमाउंट एंड आर द सेम डिरेक्शन। सेम डिरेक्शन में भी डीप होगा, सेम अमाउंट ऑफ एंगल में भी वो डीप होगा। दिस टाइप ऑफ अनकन्फर्मिटी फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है, इस टाइप का अनकन्फर्मिटी भी सेडिमेंटरी रॉक में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दैट इज बोथ द यंगर एंड ओल्डर रॉक बेड्स आर सेडिमेंटरी ओरिजिन। तो यहाँ पर यंगर रॉक बेड भी और ओल्डर रॉक बेड भी जो रहेगा सेडिमेंटरी ओरिजिन का ही रहेगा, ठीक है, ना कि वो मेटामॉर्फिक या फिर
इग्नियस ओरिजिन का रहेगा, ठीक है। इन केस ऑफ एंगुलर अनकन्फर्मिटी वहाँ पर भी दोनों जो थे सेडिमेंट्री ओरिजिन के थे, ओल्डर और यंगर बेड, यहाँ पर भी ओल्डर और यंगर बेड सेडिमेंट्री ओरिजिन के ही रहेंगे। तो इसका फिगर को थोड़ा सा देखते हैं, जो जो अभी हमने मतलब डिस्कस किया पॉइंट या फिर जो जो पॉइंट हमने पढ़ा तो उसका मतलब थोड़ा सा देखते हैं फिगर के द्वारा समझने को ट्राई करते हैं। तो यही है फिगर डिसकन्फर्मिटी का, इसी को ही हमने बोला पैरेलल अनकन्फर्मिटी। ओके, यहाँ पर टर्म ही पैरेलल है, मीन्स हमने स्टार्टिंग में ही बोला दोनों रॉक बेड जो रहेंगे इसी को हम बोल रहे हैं ओल्डर रॉक बेड नीचे वाले को, और उस ऊपर वाले को हम बोल रहे हैं यंगर रॉक बेड। अब इसको ओल्डर और यंगर हम सेपरेट कैसे कर रहे हैं, इसी प्लेन के वजह से। ये जो प्लेन है ये मतलब इरोजन हो जाने के बाद फिर इसके ऊपर डिपोजिशन हुआ, बट ये जो इरेगुलरिटी दिखा रहा है इसी को ही हम कहीं ना कहीं बोल रहे हैं प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और इसी को ही हम उसका नेचर के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं डिसकन्फर्मिटी। डिसकन्फर्मिटी क्यों बोल रहे हैं, इसके ऊपर जो भी रॉक बेड है इसके नीचे जो भी रॉक बेड है दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, और इनका डिप का अमाउंट भी सेम है, डिरेक्शन भी सेम है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डिसकन्फर्मिटी। और इनके केस में ये जो नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों बेड रहेंगे ये रहेंगे सेडिमेंट्री ओरिजिन के, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए को पैरालिजिंग भी देखने को मिल रहा है, देखिए ये रॉक बेड इसके साथ पैराल, इसका अलाइनमेंट और इसका अलाइनमेंट सेम है, इसका भी अलाइनमेंट सेम है, तो सबका अलाइनमेंट सेम है, डीप डिरेक्शन सेम है, डीप अमाउंट भी सेम है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डिसकन्फर्मिटी, और इसी को ही बोला जा रहा है पैराल अनकन्फर्मिटी ड्यू टू इट्स पैराल रिलेशन। तो ये था ऑल अबाउट डिसकन्फर्मिटी या फिर पैराल अनकन्फर्मिटी। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दिए, वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी और भी मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे लाइक लोकल अनकन्फर्मिटी और नॉन कन्फर्मिटी, तो वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।